भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, रेल मंत्री अश्विनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भोपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। स्वास्थ्यों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। यानी एक तरह से वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। और आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा, भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फुल करेगा। लेकिन आप देखते हैं, 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है।
और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बना जो बना बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी ये आप भलीभांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे, वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें
दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है। साथियों, आज भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का भी बड़ा माध्यम बन रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत जिस क्षेत्र में वो स्टेशन है वहां के प्रसिद्ध कपड़े, कलाकृतियां, पेंटिंग, हस्तशिल्प, बर्तन आदि यात्री स्टेशन पर ही खरीद सकते हैं। इसके भी देश में करीब करीब 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में इनसे 1 लाख से ज्यादा यात्री खरीदारी कर चुके हैं। साथियों, आज भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही है। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पहले सांसदों की चिट्ठियां आती थी तो चिट्ठी क्या आती थी, सांसद लिखते थे फलानी ट्रेन इस स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, अभी 2 स्टेशन पर रुकती है, 3 पर रोकने की व्यवस्था हो, यहां रोकी जाए वहां रोकी जाए, यही आता था। आज मुझे गर्व है, मुझे संतोष है जब सांसद चिट्ठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो। साथियों, रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का यह अभियान लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है।
इस साल के बजट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। एक समय था जब रेलवे के विकास की बात होते ही घाटे की बात की जाती थी, लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो और निष्ठा पक्की हो तो नए रास्ते भी निकल ही आते हैं। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर वर्ष औसतन 600 करोड़ रुपया। आप बताइए, 600 करोड़ रुपये रेलवे बजट था, कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी ना किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, अब हर साल औसतन 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार। साथियों, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उद्योगों के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से यहां युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बन रही है। साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं, और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है उन्होंने? अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय
आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छबिल धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, भोपाल के नागरिक भाई बहनों को इस आधुनिक ट्रेंड के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सभी का सफर मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।